हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप रूखे बेजान झड़ते वालों से परेशान हैं तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट लाई हूँ जो आपके हेयर को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाएंगे। विनेगर या सिरका, जिसे हम लोग सिरका भी कहते हैं, एक बहुत ही उपयोगी इंग्रेडिएंट है। इसका यूज हेयर को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाने में किया जाता है और हेयर को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। बट प्योर विनेगर का सीधा यूज हम लोग हेयर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए हम लोग इसमें पानी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं या फिर अदर इंग्रेडिएंट मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। नीम जो है हमारे हेयर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो ये नीम ऑयल ज़रूर यूज करें, बिकॉज नीम हेयर जो है फॉलिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण बालों की जड़ें कमज़ोर होने से बच जाती है, और नीम हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। बात करते हैं एलोवेरा की, तो एलोवेरा से हेयर को बढ़ने में हेल्प मिलती है। एलोवेरा बालों को उगाने में भी हेल्प करता है। इसके लगातार यूज करते रहने से आपके बालों को झड़ने से रोकता है और बाल आपके घने और लंबे होते हैं। तो अब हम लोग हनी के बारे में जानेंगे। तो पोषक तत्वों से भरपूर हनी ना सिर्फ कफ और कोल्ड के खराब गले में फ़ायदेमंद है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। साथ ही हमारे हनी बालों के लिए भी वरदान है। यह बालों के मॉइस्चर को बनाए रखता है। हनी नेचुरल कंडीशनर भी माना जाता है बालों के लिए, और उन्हें हेल्दी और खूबसूरत बनाता है। तो आइए हम लोग इसका इंग्रेडिएंट बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाउल में सभी इंग्रेडिएंट लेंगे। तो हम लोग एलोवेरा जेल बाउल में ले रहे हैं, एंड एलोवेरा जेल लेने के बाद उसको आप चाहे तो नेचुरल ले सकते हो या फिर आप पतंजलि के भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। तो मैंने नेचुरल लिया है, और इसमें हम लोग फिर नीम ऑयल मिलाएंगे। कोई भी नीम ऑयल आप ले सकते हैं। तो मैंने इसमें नीम ऑयल मिलाया है 2 स्पून। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, शॉर्ट या लॉन्ग हेयर है उस अनुसार से लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मिला लिया है इसमें नीम ऑयल। इसके बाद हम लोग इसमें विनेगर मिलाएंगे, या एप्पल साइड विनेगर भी आप ले सकते हो, या नॉर्मल ब्रांड के भी विनेगर आपको मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग विनेगर इसमें मिला देंगे 1 स्पून, छोटी स्पून से 1 स्पून मिला लेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग का हनी बच जाता है, तो हनी भी हम लोग को मिला लेंगे इसमें। कोई भी हनी आप ले सकते हैं, एंड हनी 2 स्पून मिला दीजिए। 2 स्पून हनी ले लेंगे और इसे अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका हम लोग, और बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे मिलाकर, ताकि ये पूरी तरीके से मिल जाए। फिर इसे बालों की जड़ों से लगाना शुरू करें और बालों के मुंह तक ज़रूर लगाएं। इस पेस्ट को सबसे ज़्यादा बालों के लास्ट में ही लगाएं, क्योंकि बालों का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो जब आपके पूरे बालों पर यह पेस्ट लग जाए अच्छे तरीके से, तो आप इसे टॉवल से कवर कर लीजिए, या आप शावर कैप से भी अपने सिर को कवर कर सकते हैं, और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें इसे। इसके बाद आप शैम्पू कर ले, और इसके बाद बालों में कंडीशनर ना करें, क्योंकि कंडीशनर का भी काम करता है साथ में। ये हेयर कुछ इस तरह से शैम्पू करने के बाद हैं सिल्की एंड शाइनी। तो आप लोग ये सिल्की एंड शाइनी बनाइए बालों को। इस इंग्रेडिएंट को वीक में एक बार लगा सकती हैं। ओके फ्रेंड, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अगर हेल्पफुल रही ये वीडियो, देन सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये इंग्रेडिएंट से फ़ायदा हुआ या नहीं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।